ग्रेटर फरीदाबाद के गरौंडा स्थित विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल में आज एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत करने के लिए तिगांव विधायक राजेश नागर पहुंचे। मैं एक साथ वृक्षारोपण के लिए स्वास्थ्य शिविर व साइंस कॉमर्स आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए एग्जीबिशन व पीटीएस का आयोजन भी किया गया। वहीं इस मौके पर खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में पहुंचने पर विद्यार्थियों एवं विद्यालय प्रशासन की तरफ से विधायक राजेश नागर का भव्य स्वागत किया गया। इस कड़ी में अभिभावक छात्र एवं अध्यापकों को संबोधित करते हुए विधायक राजेश नागर ने कहा कि हमारे जीवन के लिए पौधारोपण बहुत जरूरी है, क्योंकि यही पौधे बड़े होकर वृक्ष बनेंगे और हमें जीवनदायक वायु प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि हम सभी को अपने जीवन में पौधे लगाने चाहिए और उन्हें बड़े करना भी चाहिए। इसी के साथ विधायक ने स्कूल मैनेजमेंट का वृक्षारोपण करने पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विद्यासागर हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा और अच्छा स्कूल है। इंटरनेशनल स्कूल पहुंचे हैं, यहाँ पर क्या कार्यक्रम है? मैं सबसे पहले दीपक जी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ उनका। जो इस तरह का एक एटमॉस्फेयर, जो यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आते हैं उनको जो एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, चाहे स्पोर्ट्स की बात करें, चाहे स्टडी की बात करें या कल्चर एक्टिविटीज़ की बात करें, आप यहाँ देख सकते हैं कि भाई किस तरह के एग्जीबिशन बच्चों ने यहाँ पर लगाए हैं और जो लाइव परफॉर्मेंस वो कर रहे हैं, और उसी तरह से खेलों के ऊपर भी ये बहुत ध्यान देते हैं, स्पोर्ट्स के ऊपर भी। तो इस तरह का एक माहौल बच्चों को जो मिल रहा है यहाँ पर वो बधाई के पात्र है। इस तरीके से यहाँ पहुँचने पर आपने प्लांटेशन भी किया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ अपनी माँ के नाम से जो एक मुहिम चलाई है, उसी के तहत आज हमने यहाँ पर ट्री प्लांटेशन का काम किया, और हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स और हमारे यहाँ के प्रिंसिपल स्टाफ और दीपक जी खुद यहाँ पर मौजूद थे जब हमने ये प्लांट यहाँ पर लगाया। और ये प्लांट लगाना तो ज़रूरी है ही, उसकी देखभाल करना भी उससे ज़्यादा ज़रूरी है। उसका देखभाल करके, जैसे हम बच्चे की देखभाल करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, पेड़ को लगाने के बाद उसका पालन पोषण भी, उसकी देखभाल भी करनी ज़रूरी है। सर, हरियाणा की बेटी ने एक बार फिर हरियाणा का में पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है, ओलंपिक में मेडल जीता है, इससे पहले भी लगातार मेडल आते रहे हैं, तो किस प्रकार? देखो, हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार खेलों के ऊपर बहुत ध्यान दे रही है, स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत ध्यान दे रही है। पहले जो हमारे खिलाड़ी जाया करते थे उनका मनोबल इतना वो हाई नहीं होता था, अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री उनसे खुद बात करते हैं और उनसे फ़ोन पे बात करते हैं, जब जाते हैं जब भी बात करते हैं, और उससे उनका मनोबल हाई हुआ, और हम देख सकते हैं कि कितने मेडल हमारे बच्चे बच्चियां लेकर आ रहे हैं, और हमारी बेटी ने जो नाम हमारा प्रदेश का देश का नाम रोशन किया है, और मुझे आज उम्मीद है कि तीसरा मेडल भी वो हमारे प्रदेश के लिए देश के लिए जीत कर लाएगी और हमारा देश का नाम रोशन करेगी। सर, जो सरकार की योजनाएँ हैं लगातार विद्यासागर इंटरनेशनल, जो सरकार की योजना है महिलाओं को 33% एक्शन रिजर्वेशन की, लेकिन विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा पिछले 2 दशक से लड़कियों को फ्री एडमिशन दिया जा रहा है। ये एक अच्छी पहल है, एक अच्छी मुहिम दीपक जी ने चलाई है, और इससे हमारी जो बच्चियां ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं वो पढ़ाई कर सकेंगी और पढ़कर हमारे देश का प्रदेश का नाम रोशन करेंगी और आगे बढ़कर वो वही हमारा भविष्य है।